can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the, move like the, move like the sunlight, darkness can't hold. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनंता डार, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं पाक 360 यूट्यूब चैनल, क्योंकि औरत से है ज़िंदगी। ऐसी ही बहुत सारी औरतें हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आती हैं, लाखों ऐसी मसाले हैं जो हर रोज़ मेहनत करके अपना, अपने बच्चों का पेट पालती हैं, जो तरक्की याफ्ता हैं, जिनको आज हम सक्सेसफुल कह सकते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाइयों भरी और बहुत स्ट्रगल से भरपूर कहानियां हैं। हम हमारे इस शो में वही कहानियां जानेंगे और बातें करेंगे ऐसी औरतों से जो बज़ाहिर आपको आज कामयाब नज़र आ रही हैं, लेकिन उन्होंने क्या स्ट्रगल की, किन मुश्किलात से वो गुजरी, वो अपनी आप बीती खुद बताएंगी। हम मौजूद हैं इस वक्त गुलबर्ग के एक बहुत जाने माने सैलून में, जिसका नाम है हुमा सिग्नेचर सैलून, और हम आपको मिलवाने वाले हैं इस सैलून की ऑनर से, जो कि ना कि एक बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं, बल्कि उनकी मेहनत और उनकी मुशक्क़त की दास्तान आप सुन के दंग रह जाएंगे। जी हुमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पाक 360 का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा चांस दिया कि मैं इनके पास आऊँ, अपने बारे कुछ बता सकूँ। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ पाक 360। और हम लोग आपका बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने अपना टाइम निकाला और आप हमसे अपनी स्टोरी शेयर करने जा रही हैं। थैंक यू सो मच। हमारे इर्द गिर्द हर तरफ है हजारों जरासीम, और यही जरासीम हाथों के जरिए मुंतकिल होकर बनते हैं खतरनाक इन्फेक्शन का बायस। प्रोटेक्शन हैंड सैनिटाइजर जेल दे आपको और आपकी फैमिली को जर्म से 99.9% मुकम्मल हिफाजत, हर जगह हर वक्त। WHO और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक 80% एथेनॉल के साथ डॉक्टर्स का तजवीज करता, पाकिस्तान का वाहिद नॉर्मल pH हैंड सैनिटाइजर जेल। राउंड द क्लॉक प्रोटेक्शन बाय फार्मा हेल्थ, अवेलेबल इन ऑल लीडिंग फार्मेसीज अक्रॉस पाकिस्तान। जी हुमा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपने करियर की शुरुआत किस एज में की और क्यों यही करियर आपने सेलेक्ट किया? हाँ जी, ज़रूर बताऊँगी मैं आपको कि मैंने किस एज में की। मैं 20 इयर्स की थी जब मैं इस फील्ड में आई। सच कोई भी एग्री नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत अगेंस्ट थे मेरे, वो बिल्कुल भी इस बात के लिए एग्री नहीं थे कि मैं सैलून का काम करूँ। मैं आई सबसे पहले मसरत मिसबा के पास गई, डप्लेक्स पे उनके पास गई, उन्हें मैंने बताया कि मैं काम करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप इतनी अच्छी शक्ल की हैं, खैर तब की बात कर रही हूँ जब मैं 20 इयर्स की थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप एज आ मॉडल आओ। तो वहाँ पे मून थे, बबलू थे, उन्होंने मुझे ग्रूम किया, उन्होंने मेरा हेयर कट किया, कलरिंग की, मैं सब कुछ करके ना, तो उन्होंने मुझे एज आ मॉडल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब मैं मॉडलिंग में आई, मैंने जरार रजवी के साथ काम किए, दो ऐड किए उनके साथ, उसके बाद ब्राइडल शूट 2-3 किए। सबसे पहले आपने शुरुआत एज अ मॉडल की या एज अ वर्कर की? मैंने एज अ मॉडल की। आपने एज अ मॉडल शुरुआत? एज अ मॉडल। और कितना लंबा अरसा तक आपने मॉडलिंग की? 1 ईयर। एक साल तक आपने मॉडलिंग की। मॉडलिंग कैसी आपको फील्ड लगी, किस तरह लगा, क्योंकि यू आर ओनली 20, ठीक है, 20 साल की उम्र में आपने मॉडलिंग स्टार्ट की, कैसे एक्सपीरियंस था वो? एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था, इतनी समझ नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस थोड़ी सी शाये थी, घबराई हुई रहती थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कर रही थी मैं, लेकिन घबराहट में करती जा रही थी, जो भी आ रहा था कर रही थी मैं। ये नहीं था कि दिल में ये नहीं था कि ये काम अच्छा है या बुरा है, बस कर रही थी। अच्छा, पेरेंट्स जो के अगेंस्ट थे इतना, जब आपने मॉडलिंग का उनको कहा होगा, जाहिर सी बात है उन्होंने तो आपको हर तरीके से अपोज किया होगा, आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स
शुरू से मेरे अगेंस्ट थे क्योंकि मैं पहले हॉस्टलाइज थी, वहाँ से मैंने स्टडी की अपनी ख़त्म की। जैसे मैं घर आई मैंने उन्हें बताया कि मैं सैलून का काम करना चाहती हूँ, वो मेरे इस चीज़ से भी एग्री नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं, वो चाहते थे मैं नर्सिंग में जाऊँ, उनका शौक़ था मैं नर्सिंग में जाऊँ, लेकिन मैं नर्सिंग में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद क्या नाम लेते, मैं इसमें आ गई, इस फील्ड में आई, मैं थोड़ा आगे बढ़ी। जब एक साल हो गया, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा बंदा आ गया जो कि बिल्कुल मजहबी टाइप था, उन्होंने सारा वो छुड़वा दिया मेरा मॉडलिंग का। शोबिज में लड़कियां आती हैं, यंग गर्ल्स आती हैं, आफ्टर फ्यू मंथ्स वो छोड़ के चली जाती हैं, ठीक है, कुछ घबरा जाती हैं, कुछ को ये इन्वायरमेंट नहीं सूट करता। बीइंग अ गर्ल और ऐसी लड़की जिसने अपने घर वालों से मुखालफत मोल लेकर वो इस फील्ड में आई, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, बुरा नहीं था। लाइक मैं खुश भी थी, बहुत खुश थी। मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रही थी, मैं जस्ट अपना शौक पूरा कर रही थी। मुझे शौक़ भी था कि मैं भी एज अ मॉडल आऊँ, स्क्रीन पे आऊँ, मुझे भी शौक़ था। तो खैर मैंने अपना शौक़ पूरा कर लिया, उसके बाद छोड़ भी दिया जल्दी। और घर वालों ने जब आपको स्क्रीन पे देखा तो उनका रिएक्शन क्या था? उनका ये था कि बस निकाल दो इसे घर से, नहीं रखना इसे घर पर, शरीफ औरतें नहीं होती ये बुरी औरतें हैं, मतलब बहुत कुछ, जैसे आपको पता है जैसे माँ बाप बोलते हैं कि ये अच्छी लड़कियाँ नहीं होती, ये दो नंबर कहा जाता है, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तो मुझे भी वो सब कुछ सुनना पड़ा, लेकिन मैंने फिर भी उसे कंटिन्यू रखा, उनके अगेंस्ट खड़े होकर मैंने कंटिन्यू रखा, क्योंकि वो आपको पैशन था और आप अपना पैशन कैरी करना चाहती थी। अच्छा, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ आपकी स्टार्ट हो गई और फिर आपकी लाइफ ने एक नया मोड़ लिया जब आपकी लव लाइफ स्टार्ट हुई। आप उसके बारे में हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह आपकी प्रोफेशनल लाइफ से आप किस तरह हट गई? इस तरह हटी कि मेरी लाइफ में एक बंदा आ गया जिससे मैं भी बहुत प्यार करती थी, वो मुझे नहीं पता करते थे या नहीं, लेकिन करते थे तो शादी हुई है। खैर उनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने कपड़े जो बड़े बड़े गले थे, मतलब सब कुछ चेंज कर दिया ना, टोटली चेंज कर दिया, क्योंकि वो बहुत मजहबी टाइप थे, उनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उनकी वजह से मैंने सब कुछ छोड़ के मैं सैलून के काम में आ गई। जब मैं सैलून के काम में आई तो मुझे फिर ज़ीरो से स्टार्ट होना पड़ा। लाइक आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने एक कंजर्वेटिव इंसान से शादी की, और अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप क्रिश्चियन थी और आपके हस्बैंड जो है वो मुस्लिम, तो आपने अपना रिलीजन भी कन्वर्ट किया फॉर योर हस्बैंड? जी बिल्कुल। जब आप पहले घर से निकली हैं, आपने काम स्टार्ट किया, ऑब्वियसली यू आर वेरी यंग, एट दैट यंग एज आप, क्योंकि लड़कियाँ जो होती हैं वो आसानी से जो होती हैं वो बहक भी जाती हैं, 100 इस तरह के लोग आते हैं जो उनको हर्डल्स भी डालते हैं और ख्वाब भी दिखाते हैं, आपने उन सारी चीज़ों के साथ कोप किस तरह किया? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसी तरह होता है जब टीनेज की लड़कियां निकलती हैं बाहर, हर बंदे की कोशिश होती है, कोई बाप के रूप में आ जाता है, कोई अंकल बन के आ जाता है, कोई बॉयफ्रेंड बन के आ जाता है, मतलब हरे ख्वाब हर कोई दिखाता है। लेकिन ये है कि लड़कियाँ बहकावे में मत आएँ, क्योंकि वो सिर्फ आपको सब्ज़ बाग दिखा रहे होते हैं, उनके दिल में ऐसे कुछ नहीं होता। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं कि मर्द जो है वो सिर्फ़ अपनी ज़रूरत की हद तक होता है, जब तक उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती वो लड़की को अपने झांसे में लेता है पूरी तरह से, उसे गिफ्ट्स देता है, उसे शॉपिंग कराता है, उसे खाने खिलाता है, मतलब सब कुछ करता है उसके लिए। आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है एक वर्कर से स्टार्ट करना और फिर इस तरह का एक सैलून बनाना, बहुत साल लगते हैं, और अगर इंसान ओरिएंटेड होता है, उसका कोई विजन होता है, तब भी वो इस मुकाम तक पहुंच सकता है, ठीक है। इतनी सारी हर्डल्स में आपने अपने विजन को कैसे मेंटेन रखा, आपको कैसे पता था कि मेरे ये मंजिल और मैंने यहीं तक पहुंचना है, आपने अपने आप को स्टडी कैसे रखा? मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी मंजिल क्या है, मैं बस मेहनत कर रही थी, मेहनत करते 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 मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी जो भी मैं कमा रही थी उसका सेविंग करती जाती, सेविंग करके फिर एंड ऑफ द डे मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना अपना सैलून बनाऊं। फिर मैंने अपना सैलून बनाया आज से 5 साल पहले। मेरे सैलून को माशाल्लाह से 5 साल हो चुके हैं और मैं 5 सालों में मैंने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करके मैंने मेहनत की है। मैं नहीं देखती थी दिन है, मैं नहीं देखती थी रात है, मैं हर टाइम अपनी मेहनत कर रही थी, बच्चों को भी टाइम दे रही थी, बिज़नेस को भी टाइम दे रही थी, मियाँ साहब को भी टाइम दे रही थी, मैं बिल्कुल तरीके से चल रही थी। इस तरह से स्टार्ट लिया, मैं जब गई सैलून पे मुझे उन्होंने एज अ हेल्पर लिया, 3 माह तक उन्होंने मुझसे हेल्पिंग करवाई, झाड़ू तपड़ी सब कुछ मुझसे करवाया, ये नहीं कि नहीं करवाया, सब कुछ करवाया उन्होंने। उसके बाद 3 माह तक मैंने ये सारी मेहनतें की, उसके बाद 3 माह के बाद उन्होंने मुझे 1,000 से स्टार्ट किया, ठीक है, 1,000 मेरी पहली सैलरी 1,000 थी, और उसी में मुझे फिर और मोटिवेशन मिला, मैं क्यों ना मज़ीद काम सीखूँ, मज़ीद जिस तरह बाकी लड़कियाँ इतनी सैलरियाँ ले रही हैं, मैं भी क्यों ना इस तरह से काम सीखूँ। फिर मेरा शौक और बढ़ा, मैंने मज़ीद काम की तरफ ध्यान दिया,
मैंने काम को और मज़ीद अच्छे तरीके से सीखा। आहिस्ता 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 करते मेरी सैलरी बढ़ती गई, मैंने कमेटियाँ डाली, फिर उसके बाद मैंने पैसे जोड़े। जब मेरे पास थोड़े से पैसे हो गए, मेरी कोई वहाँ पे जानने वाली थी, कह लें फ्रेंड कह लें आप, उन्होंने मुझे कहा कि आप काम करती हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं, हमें यहाँ पर ज़रूरत है वर्कर्स की, तो आप क्यों नहीं दुबई आती। फिर मैं उधर के सैलून में, रहमा अमीरा सैलून का नाम है अजमान में, ठीक है, अजमान और शारजा दोनों, वहाँ पे उनके दो सैलून थे, मैं वहाँ पे चली गई, वहाँ पे मैं दो साल रही, वहाँ पे भी मैंने मेहनत की, दिन रात मेहनत करती रही। आपका कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ का, वहाँ पे क्या डिफरेंस था यहाँ के सैलून से, कितना ज़्यादा, अगर बीइंग अ पाकिस्तानी जब आप अब्रॉड जाते हो काम करते हो तो क्या आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यहाँ की निस्बत? बिल्कुल मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है वहाँ पे, इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा मेहनत है वहाँ पे। वहाँ पे 9 से लेकर रात 10 बजे तक आपने एक टांग पे खड़े रहना होता है, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत इजी है, 11 बजे आओ 8 बजे चले जाओ, यहाँ पे बहुत इजी है, लेकिन वहाँ पे सुबह 9 बजे आपकी ड्यूटी शुरू होती है, पूरे 10 बजे ख़त्म होती थी। उसके बाद आप थके हारे घर जाके अपने कमरे में, एक रूम में चार चार लड़कियाँ रहती थी, आप थके हारे के जाते हैं अपने रूम में जाके रेस्ट करते हैं, रेस्ट करके फिर उसी तरह वही रूटीन, सुबह 9 बजे उठो, अपने ऑन ड्यूटी खड़े हो जाओ। अब वहाँ पे कितने पैसे अर्न कर रही थी वहाँ पे? तब जब मैं गई थी तब मुझे वो दे रहे थे 3500। और आप जो है वो अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रही थी? हाँ, उन पैसों से बिल्कुल मैं कर रही थी, सबको कर रही थी। तब मैं जब गई थी, मेरी एक बेटी भी थी जब मैं गई थी उधर, तो मैं अपनी बेटी को भी भेज रही थी, घर भी भेज रही थी और अपनी भी ही सेविंग कर रही थी। और जब मैं वहाँ से वापस आई, फिर मैं यहाँ पे आके जॉब की, जॉब करके यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि मैंने इतना जो काम कर लिया, इतनी कमेटियाँ मैंने यहाँ पे आके भी फिर डाली, और जब मेरे पास एक अमाउंट इकट्ठी हो चुकी, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना सैलून बना लूँ। और मेरे पीछे मेरे मियाँ भी थे, उन्होंने भी यही मुझे फ़ैसला दिया कि नहीं तुम्हें बना लेना चाहिए। फिर मैंने उनके साथ डिस्कस किया, उन्होंने मिल के फिर सैलून हम दोनों ने बनाया। अपना सैलून आप लोगों ने सबसे पहले कहाँ बनाया? गुलबर्ग में, जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ। ठीक है, और आपने जब अपना सैलून बनाया, जाहिर सी बात है बिज़नेस करना, जिस बंदे को पहले बिज़नेस का ना पता हो, सारी ज़िंदगी जॉब की हो, बड़ा मुश्किल होता है। आपको एज अ बिज़नेस वूमेन क्या मुश्किलात पेश आई? मुश्किलात का सामना तो आपको पता है हर औरत को करना पड़ता है, वो मैंने भी किया है। कि आपके लिए, आपको भी पता है कि औरत के लिए आसान काम नहीं है कि मर्द के सामने बैठना, उससे डिस्कस करना। हर तरह के मर्द आपको मिलते भी आके, हर तरह की अजीब अजीब बातें भी करते हैं, लेकिन आपने अपनी जगह स्टैंड करना होता है, आपने उनके बहकावे में नहीं आना। हर बंदा आके आपको बहुत बहुत बात दिखाता है कि नहीं आप इस तरह कर लें, आप इस तरह कर लें, आप इस तरह कर लें, ये बात नहीं है। आप अपने माइंड को एक जगह पे रखें, आप अपने माइंड से चलें, आप सुने सबकी लेकिन करें सिर्फ अपनी, क्योंकि जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है वही सही है। कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, और आप उनको, बच्चे कितने साल के हैं, बेटा बेटी हैं, कुछ बताएं अपने बच्चों के बारे में। बेटी मेरी 11 साल की है, बेटा मेरा 1 साल का है। अच्छा, और पढ़ रहे हैं? हाँ जी, बेटी पढ़ रही है, बेटा तो अभी छोटा है। सही, तो आप उनकी बच्चे क्योंकि स्कूल जाते हैं और वर्किंग मदर है, तो आप उनको किस तरह टाइम देती हैं, किस तरह कंपेंसेट कर रही हैं उनके टाइम को और अपने वर्क को? हाँ जी, इसी तरह है कि सुबह उठती हूँ रूटीन वाइज, जैसे आजकल तो आपको पता है कोरोना की वजह से वैसे ही सबको छुट्टियाँ हैं, आजकल तो इतना टफ नहीं है, लेकिन उससे पहले यही था कि सुबह उठती थी, नाश्ता बनाती थी, उन लंच बॉक्स तैयार करना, उसके बाद उसको स्कूल भी छोड़ के आना, फिर उसके बाद वापस आके लंच तैयार करना, लंच तैयार करके उनका पैक करके साथ अपने पार्लर ले आती थी कपड़े भी, जैसे ही वो स्कूल से आती थी उसके यहीं पे कपड़े चेंज करवा के यहीं अपने साथ रखती थी। मैं बच्चे अपने साथ रखती, मैं मेट्स पे नहीं छोड़ती। आप बच्चों का भी सारा काम खुद करती हैं? और जाहिर सी बात है आप एक पार्लर भी रन कर रही हैं, तो ऐसे में आपको फिजिकली एग्जॉस्टेड तो आप होती होंगी? बिल्कुल होती हूँ, मेंटली ज़्यादा होती हूँ। तो ऐसे में क्या करती हूँ, कौन सी ऐसी होप है, कौन सा ऐसी चीज़ है जो आपको इंस्पायर किए हुए है और आप आगे बढ़ती जा रही हैं? मुझे क्या, मैं बस दिल से ये चाह रही हूँ कि मैं मेहनत करूँ, जितनी कर सकती हूँ करूँ, ताकि मैं अपने बच्चों को ना एक मियार तक लेके आऊँ। मैं आज जो आज मेरी मेहनत है वो कल को मेरे बच्चों के काम आएगी। हुमा, हमने आपसे आपकी स्टोरी जानी और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, हम जैसों के लिए, नए आने वालों के लिए, हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। आप जो नए लोग फील्ड में आ रहे हैं, जो नई बच्चियां आ रही हैं जिन्होंने अभी काम स्टार्ट किया है, आप उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक उस सारे वक्त से गुजरी हुई हैं, तो आप अपनी स्ट्रगल को जहन में रखते हुए, अपने एक्सपीरियंस को जहन में रखते हुए उनको क्या मैसेज देंगी? मैं जो है नई लड़कियाँ, हमारी जो बच्चियाँ हैं जो अब आगे आना चाह रही हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है जो कि डर के घरों में बैठी हैं कि हम बाहर निकलेंगे हमारे साथ क्या होगा, तो मैं उनको ये कहूँगी
कि अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएं, अपने आप को बाहर लेके आएं, कुछ ऐसा नहीं होगा, अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के अपने दिल को साफ करके बाहर निकलें, किसी की बातों में ना आएं, किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आएं, कौन क्या कह रहा है मत सुने, सिर्फ अपने दिल की अपने दिमाग की सुने और दिल से काम करें, लगाव से काम करें, हक हलाल का कमा के खाएं और सबको खिलाएं, ताकि आप भी उसी मुकाम तक पहुँच सके जहाँ पर आज मैं आए। और जाते जाते ये जो हमारी नौजवान बच्चियाँ अब आ रही हैं, मैं उनके लिए एक स्पेशल मैसेज ये छोड़ना चाह रही हूँ कि शोबिज़ में कभी भी आपको कोई मर्द मिले जो आपका बाप कहे कि मैं आपका बाप की जगह हूँ, या मैं आपके अंकल की जगह हूँ, या मैं मामू हूँ, या चाचा हूँ, या मैं बॉयफ्रेंड हूँ, मैं आपको रातों रात अमीर बना दूँगा, या मैं आपको महल डाल दूँगा, तो प्लीज़ आप उनकी बातों में मत आएँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो नाज़रीन, हुमा सैलून में हमारे साथ मौजूद थी हुमा, जिनकी स्टोरी सुनी होगी आपने। उनकी स्ट्रगल स्टोरी ने जितना मुझे इंस्पायर किया है, मुझे यकीन है उतना आपको भी इंस्पायर किया होगा। और जो नई लड़कियां आ रही हैं, उनमें हिम्मत पैदा की होगी कि हम काम कर सकते हैं, हम मेहनत करके हम भी कुछ ऐसा बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ये कहानी, ये स्टोरी हर उस लड़की के नाम है जो कि छोटे शहर से ताल्लुक़ रखती है या छोटे घर में रहती है, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े बड़े देखती है। तो इसी पे मैं आज का प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।